नमस्ते सभी को। हम लोगों ने लेक्चर 5 को डिस्कस करना शुरू किया था, तो ये बात आई थी कि मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, और मैं और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है वो सिर्फ सूचना का हो रहा है, कोई मेटेरियल ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई पदार्थ का आदान प्रदान नहीं है। ये भी ध्यान में आया था कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसमें मैं का निर्णय है ना। तो अगर हम इस चीज को अपने आप में ऑब्जर्व करें तो दिखाई देगा कि मैं हूँ, शरीर है, मैं चेतन इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है, मैं शरीर को निर्देश देता हूँ आवश्यकता अनुसार, और शरीर से आने वाली संवेदना को मैं पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार, जितना मुझे आवश्यक लगता है उतना मैं निर्देश देने का या सूचना को पढ़ने का निर्णय लेता हूँ, और ये निर्णय मेरा है, शरीर का नहीं। और मेरे और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है वो सिर्फ सूचना का हो रहा है, कोई पदार्थ का, कोई जड़ का आदान प्रदान नहीं हो रहा। इस बात को हम लोग कल डिस्कस किए थे। अभ्यास 2 में इसको हम लोग और विस्तार से एक शुद्ध दृष्टा के रूप में देखने का भी अभ्यास करेंगे। तो मैं और शरीर का सहअस्तित्व इस प्रकार बना हुआ है ना, इस बात को हम देख सकते हैं। इससे देखते हुए ये बात और हमें ठीक से स्पष्ट होने लगती है कि मैं शरीर नहीं, शरीर के साथ हूँ न, तो मैं शरीर का कोई हिस्सा हूँ न शरीर मेरा हिस्सा है, न मैं शरीर का कोई विशेष प्रभाव हूँ, बल्कि मैं एक अपने आप में एक चेतन इकाई हूँ, शरीर के साथ सहअस्तित्व में हूँ। इस बात को हम लोग चर्चा करते रहे, इस बात को अब हम लोग सीधा सीधा देखने का भी अभ्यास करेंगे जब अभ्यास 2 में जाएंगे। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर ये पूरी बात स्पष्ट है तो हम लोग आगे चल सकते हैं। हेलो भैया, नमस्ते जी। नमस्ते। जैसे कोई दुखी है और रोता है तो आंसू निकलना जी, तो आंसू तो शरीर से निकल रहे हैं आंखों से जी, और वो रो रहा है तो वो भी शरीर से, और दुखी है तो वो फिर मैं दुखी है तो वो फिर शरीर और मैं का दोनों का ही यहाँ पे चीजें मिली हुई है, ऐसा मतलब वो भी एक सर... तो उसमें दिखाई देगा आपको कि मैं के अंदर जो भाव होता है, विचार होता है, उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है, तो आंसू निकलना उनमें से एक प्रभाव है। जैसे कल बात हो रही थी कि हम घबराते हैं, डरते हैं तो पसीना निकलने लगता है, आवेश में होते हैं, गुस्से में होते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, तनाव में होते हैं सर भारी हो जाता है ना। तो मेरे अंदर जो भाव विचार होता है उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है, आंसू निकलना वैसा ही एक प्रभाव है। अच्छा, थैंक यू भैया जी। बढ़िया दीदी, इसको और आगे देखते हैं तो दिखता है कि मैं हूँ और मेरा शरीर है। तो मेरा होना और शरीर का होना ये दो अलग अलग वास्तविकता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बना हुआ हूँ, शरीर भी बना हुआ है। जो जीने की चाहना है वो मुझ में है, शरीर में नहीं। शरीर नहीं जीना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। शरीर तो एक जड़ इकाई है और मैं शरीर का साधन के रूप में प्रयोग करता हूँ, तो शरीर मेरा साधन है। जैसे भी आपसे बात कर रहे हैं तो शरीर एक साधन के रूप में काम कर रहा है, मानव मानव व्यवहार में शरीर एक साधन के रूप में काम कर रहा है। हम बाकी प्रकृति के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, काम करते हैं उसके ऊपर, उसमें शरीर एक साधन की तरह काम करता है। तो शरीर एक साधन है, और इसका अगर साध्य देखें तो क्या है कि शरीर का साधन की तरह प्रयोग करते हुए मुझमें ज्ञान सुनिश्चित हो जाए, सही भाव सुनिश्चित हो जाए, सही विचार सुनिश्चित हो जाए, ताकि मेरा अपने आप में निरंतर सुख की स्थिति में बने रहना हो पाए, तो मेरा विकास हो जाए। इस अर्थ में शरीर मेरा साधन है। और आगे देखते हैं तो दिखता है कि मैं सिर्फ जीना नहीं चाहता, मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, और निरंतर सुखपूर्वक जीने के क्रम में मुझे शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग करने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए सुविधा की आवश्यकता होती है। तो हम सभी शरीर के लिए सुविधा जुटा ही रहे, और शरीर को जो सुविधा जुटा रहे हैं अगर उसको बारीकी से देखते हैं दिखता है कि तीन ही प्रयोजन उसका, शरीर का पोषण है या संरक्षण है या सदुपयोग है ना, और इसके लिए सुविधा की जरूरत है। तो अब हमें दिखता है कि जो सुविधा है वो शरीर के लिए साधन है और शरीर मेरे लिए साधन है, और मैं जो भी प्रयास कर रहा हूँ उसका आशय यही है कि मैं अपने आप में एक ऐसी स्थिति में बना रह पाऊँ जिसमें मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ,
जिसको सुख कहा। अब उसके कार्यक्रम को देखते हैं तो दिखता है कि जो भी मेरे जीने का फैलाव है चार स्तर पर, व्यक्ति के रूप में, परिवार के एक सदस्य के रूप में, समाज के एक इकाई के रूप में, प्रकृति की इकाई के रूप में, अस्तित्व में, है ना, जो मेरा पूरा जीने का फैलाव है उसमें मैं हारमोनी को समझ पाऊँ, हारमोनी में जी पाऊँ स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक, और यही मेरे निरंतर सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम है। इस क्रम में ये जो सुविधा की आवश्यकता है शरीर के लिए, मैं उसका उत्पादन भी करता हूँ, संरक्षण भी करता हूँ, सदुपयोग भी करता हूँ, और ये मेरे पूरे कार्यक्रम का एक छोटा भाग है। इसको लेस बाई 1/4 इसलिए कहा क्योंकि मानव के रूप में देखते हैं तो मैं और शरीर दो तरह की वास्तविकता दिखाई देती है, और सुविधा जो है वो सिर्फ शरीर की आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता तो है नहीं। तो ये जो मैं सुविधा के लिए काम कर रहा हूँ वो सिर्फ शरीर के लिए है, इसलिए इसको 1/4 कहा। अगर देखें तो ये मोटा मोटी एक आंकलन है। कहने का आशय ये है कि सुविधा हमारे जीने की संपूर्णता नहीं है, है ना, हमारे जीने का एक छोटा भाग है। जो संपूर्ण भाग है उसको देखें तो व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है। ये बात अगर हमें ध्यान में आ जाए तो इसे एक मेजर शिफ्ट मिलता है कि जहाँ पूरे समय हमारे कल्पनाशीलता में सुविधा और सुविधा को जुटाने के लिए जो कार्यक्रम है वो कई बार हो सकता है चलता रहता है, उसके मुकाबले हमको कार्यक्रम दिखाई देता है कि व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है। उसके लिए मैं शरीर का सदुपयोग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं शरीर के लिए सुविधा जुटा रहा हूँ। इस पे कई बार बात हुई कि अब मुझे सुविधा की आवश्यकता बहुत सीमित दिखाई देती है, सुविधा की आवश्यकता की सीमा में तय कर पाता हूँ, और ये करने योग्य काम है। हम सभी जो भी सत्र में हैं हम इस चीज को अपने आप में भी वर्कआउट कर सकते हैं कि अभी हमें पूरी शरीर यात्रा के लिए कितनी सुविधा की आवश्यकता है और उसमें से कितना उपलब्ध है, है ना। इसको अगर एक बार वर्कआउट कर लेंगे तो ये जो सुविधा को लेकर सोच है, सुविधा को लेकर कल्पनाशीलता में एक कई बार द्वंद्व, उलझन या व्याकुलता रहती है, उससे हम निकल पाते। तो सुविधा का उत्पादन करना, संरक्षण करना, है ना, एक बहुत छोटा भाग है। सदुपयोग भी लिखा है, सदुपयोग को अगर हम पूरा फैला के देखें तब तो ठीक है, सदुपयोग तो हम कर ही रहे हैं शरीर के अर्थ में और ज्ञान के अर्थ में, समाधान के अर्थ में। बट ये जो सुविधा को लेकर हम कार्यक्रम बना रहे हैं वो हमारे जीने का एक छोटा हिस्सा है, ये हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है ना। इससे एक मेजर शिफ्ट ये मिलता है कि जो सुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन बातों पर ध्यान जाता है। जैसे कई बार बात हुई कि संबंध सुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और संबंध में भी भाव महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उस भाव के साथ हम सुविधा का स्वयं के लिए व्यवस्था करते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए व्यवस्था करते हैं, और दूसरे के अंदर अगर सही भाव होता है वो भी उसमें सहयोगी हो जाता है, फिर जो सुविधा के लिए काम करना है वो और संक्षिप्त हो जाता है और छोटा हो जाता है, समझ के लिए काम करते हैं और निश्चित हो जाता है कार्यक्रम। अगर परिवार में सम्यक समझ है तो हमारा कार्यक्रम और निश्चित हो जाता है। तो ये हमको दिखाई दे कि सुविधा के लिए जो कार्यक्रम बनाना है वो हमारे जीने के संपूर्ण कार्यक्रम का बहुत छोटा हिस्सा है। ये बात ठीक है, आप इसको चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि सुविधा के लिए जो कार्यक्रम बनाना है हमें वो हमारे जीने के संपूर्ण फैलाव का बहुत छोटा हिस्सा है। ये बात हमको जितना ज्यादा स्पष्ट होगा उतना हमारे पास ज्ञान के लिए, समाधान के लिए, है ना, स्वयं के विकास के लिए, समाज की अखंडता के लिए काम करने का अवसर दिखाई देगा। सर नमस्ते। नमस्ते सर, जो मैं में जो ट्रांसफर हुआ है वो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा बोलने का जो कम हो गया, मतलब कि मैं अब जैसे मैं हर चीज के लिए एकदम से तुरंत जवाब देती थी, अब वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जुबान जैसे बंद हो गई है। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि बोलना है तो लिमिट में ही बोलना सही है, वो समझने मेरे मैंने इतनी जल्दी उसको ऑब्जर्व करा है कि वो अब वो पावर ऐसे लग रही है कि बिना जरूरत के बोलना बेकार। अगर किसी को कोई बात समझ आती है तो बोलना सही है, अगर जिसको नहीं समझ आती ठीक है हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे कि ये चीज ऐसे है, ऐसे भाई जो कंटेंट हम यूएचवी से ले रहे हैं वो इस तरीके से है, पर फिर भी जो मैं अपने आप में चेंज कर देख रही हूँ वो इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट जा रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा मेरे में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा।
मैं खुद अपने आप में हैरान हो रही हूँ कि मेरे में इतनी सारी चेंजेस एकदम से कैसे आ रहे। बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि है। और आपके सुबह के शेयरिंग से दिख रहा है कि अब आपका जो प्रश्न और शेयरिंग है वो भी ज्यादा फोकस्ड हो गया है, कम शब्दों में आप अपनी बात को रख पा रही हैं। बहुत अच्छी बात है दीदी, उपलब्धि की बात है। और फैमिली में भी लोग बोल रहे हैं कि आप पहले जितना बोलते थे ना वैसे आप बोलते नहीं हो। मेरे को पता नहीं मेरे को कि ये मेरे को मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग की है कि मेरे बॉडी के इंस्ट्रूमेंट उस हिसाब से वर्क करने लगे कि जितनी उनको जरूरत है उसको समझ आ गई कि हमें इतना ही वर्क करना है। और दूसरे के लिए, हाँ दूसरे के पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग ऑब्वियसली फैमिली में अगर थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है तो अदर फैमिली दूसरे भी जो मेंबर्स आते हैं उनमें भी चेंज मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिख रहा है धीरे धीरे। ऑफिस में भी मेरे कुलीग्स में भी मेरे को ऐसे लग रहा है उनमें भी चेंज नजर आ रहा है। बढ़िया बढ़िया दीदी जी, बढ़िया। और ध्यान दे अपने ऊपर, तो अपने को दिखता है कि शरीर साधन है, इसका उतना ही प्रयोग करें जितना की प्रयोजन है। अभी अनावश्यक बोलना, अनावश्यक रूप से शरीर से काम लेना, ठीक है ना, राइट सर, इन सब चीजों का मूल्यांकन कर सकते हैं। हाँ मूल्यांकन फिर बॉडी में ऐसे भी हो रहा है कि अब अगर मेरे मेरे को ऐसा लगा कि बॉडी के इस पार्ट में थोड़ा सा ऐसे पॉइंट थोड़ा सा वर्क नहीं करा तो उसके लिए मैं अब प्रोसेस करी वर्क कर उसके को समझने की कोशिश करी कि कौन सा एक्सरसाइज होगा जो इसके सही कर सकता है, क्या डाइट ली जाए, क्या कुछ। अगर ये हम अपने आप में ही इतना सारा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम दूसरों की अवेयरनेस के लिए भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना हम अपने लिए कर रहे हैं। तो ये पार्टिसिपेशन जो चेंज हुआ वो बहुत ही फास्ट हो रहा है, ये एक्सरसाइज से हुआ था, बिल्कुल बिना एक्सरसाइज के ये पॉसिबल नहीं था। बहुत बढ़िया दीदी। और 3 दिन में देखा, जैसे 3 दिन में हमने एक्सरसाइज करनी शुरू करी है, उससे पहले नहीं था। जी जी, अपने भाव को यदि सजग हो जाएंगे ना तो विचार भी अभी जितना करते हैं उसे बहुत थोड़ा करना पड़ेगा, और शरीर का जितना प्रयोग करते हैं उसे और थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं? राइट सर। जी सर, ये जो बीच बीच में जो वर्ड्स है ना सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए इनको समझना और इनको इसको अपनी व्यवस्था में भी लाना, उससे ही फर्क पड़ेगा। ये शब्द ही जो है ना, ये शब्द से ही बहुत सारे हमारे विचारों में फर्क आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है इन शब्दों से। जी सर, ये जी राइट सर। और इसमें इतना ज्यादा चेंजेस, यानी कि वर्ड्स में इतना पावर है भाई, अगर हमें वर्ड्स में इतनी पावर है तो हम वो ऐसी जगह में वर्ड्स यूज करें ना जहां पर उसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन। पर सर मेरे में तो बहुत सारी चेंजेस आए, थैंक यू सर। बढ़िया, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट अपने भाव के प्रति जितना सजग होते हैं विचारों की आवश्यकता उतनी कम पड़ती है, और जो हम शरीर का साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं चाहे सुविधा उपार्जन के लिए या व्यवहार के लिए, उसमें भी हमको दिखाई देता है कि उसका एक निश्चित भागीदारी है। तो हम ज्यादा फैल कर व्यवहार करते हैं और कम शब्दों में ही हमारा भाव दूसरे तक पहुंच जाता है। हम प्रकृति के साथ और जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं और उससे हमारा स्वास्थ्य भी बना रहता है, समृद्धि का भाव भी बना रहता है। हाँ भैया जी नमस्ते। नमस्ते दीदी, जो बता रही थी उसी से संबंधित मेरा सवाल है कि जब से ये ह्यूमन वैल्यू कर रहे हैं तो शुरू में शायद आप के साथ जब मैंने वर्कशॉप किया था शुरू में तो मेरा ये सवाल था कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, तो अभी कुछ महीनों से तो कम बोल रहा हूँ लेकिन व्यवहार में जैसे परिवर्तन आया है तो जहाँ आलतू फालतू बात होती है वहां नहीं जाता हूँ, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। तो हुआ क्या कि जब इस प्रोसीजर से गुजर रहा हूँ तो कभी कभी ना अपने आप को बड़ा अकेला पाता हूँ, ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं, मतलब कोई चाहिए, बड़ा ही अकेलापन, मतलब दुखी नहीं रहता हूँ मैं, लेकिन कभी कभी शाम को आके बैठता हूँ, ऑफिस में भी अपने काम से मतलब रखता हूँ क्योंकि ऑफिस में भी कोई ऐसी फ्रूटफुल बातें तो होती नहीं है, कॉलेज में जो फैकल्टी है उनका भी स्तर मेरे को पता ही है बात करने का क्या है। तो अच्छा, बच्चों से फालतू बात करना वैसे ही छोड़ दिया हूँ, तो बड़ा ही शांत शांत सा रहता है, अपने काम से मतलब रखा, जितनी जरूरत थी उतना बोला,
तो मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ, अच्छा अभी क्या है कि जैसे शरीर पे, बोलने पे, इन सब पे विचार जा रहा है अभी, तो मुझे भाव का, अभी भी मैं बताऊं भाव का तो मुझे स्पष्ट हुआ ही नहीं कि बस इतना है कि भाई संबंध के रूप में रहना है, विरोध नहीं करना है, ये सब कुछ कुछ बातें मेरे को समझ में आती हैं, लेकिन भाव तो अभी मेरे को क्लियर हुआ ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अकेले से पड़ गए हैं, कोई नहीं है मतलब ऐसा जिससे मैं बात कर सकूं, जैसे आपसे बात करता हूँ सुबह सुबह। अच्छा मैं सुबह सुबह इसलिए भी सुनता हूँ क्योंकि पूरे दिन का रिचार्ज हो जाता है और बड़ा खुशी सी मिलती है, तो ये खुशी भी ना मिले तो फिर ये भी ना सुने, तो वो अकेलापन सा होने लगता है। हाँ ये भी ठीक नहीं है। देखिए फिर हम देखिए ये भागीदारी को जो हम रोक के रखते हैं ना, उसके बाद फिर स्थिति बन सकती है कि अभी निरर्थक बात को हमने कम कर दिया बोलना है ना, निरर्थक बात करना हमने कम कर दिया, और सार्थक बात करने के लिए हम अवसर नहीं बनाएंगे, तभी अकेलापन होगा। नहीं तो अभी आप देखें तो एज अ टीम है ना, अपने पास बहुत सारा अवसर है सार्थक बात करने के लिए। धीरे धीरे ये होता है कि ये जो निरर्थकता है जीने की वो कम होती जाती है और हम सार्थकता देखना शुरू करते हैं कि अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। तो अभी जहाँ हम अकेले बैठे हुए हैं, हम देख सकते हैं कि ये समाज में व्यवस्था में भागीदारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम उसके लिए सदुपयोग करेंगे तो पर्याप्त काम भी है, पर्याप्त लोग भी हैं, अब उनके साथ भागीदारी करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो भागीदारी वाला भाग है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये स्थिति बनेगी कि हम निरर्थकता को कम करते जा रहे हैं परंतु सार्थकता के जो चैनल्स है उसको ओपन नहीं कर रहे हैं, तब तो स्थिति बनेगी। अगर हम सार्थकता के अर्थ में भागीदारी शुरू करेंगे तो हमारे पास पर्याप्त अवसर रहेगा लोगों से सार्थक बात करने का भी है ना, सुविधा के सदुपयोग का भी, शरीर के सदुपयोग का भी, समय का सदुपयोग का भी, उस चीज पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जी भैया ये लगता हूँ भी, क्योंकि अब तो काफी समय तो ऐसा लगता है खालीपन का ही है मतलब इस तरीके से, क्योंकि बोलने में कुछ है नहीं और सार्थकता में भागीदारी हो नहीं पा रही है, तो बहुत लगता है बहुत मन शांत है और खालीपन सा है, ऐसा मतलब फील होता है मेरे को। ठीक है भैया, सार्थकता के अर्थ में क्या भागीदारी हो सकती है उसको शुरू करें है ना। जी भैया जी बढ़िया भैया जी, धन्यवाद। रश्मि अग्रवाल जी नमस्ते भैया जी। नमस्ते। अभी जो हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं सेल्फ में से सेल्फ को देखने की, तो मुझे उसके बारे में थोड़ी बात रखनी है अपनी कि जैसे मैं जब अभी दिन में भी ये चीज अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब और अच्छे से समझने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार ये करूँ, तो मैं बाद में दिन में भी बार बार ये दो तीन बार प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं बहुत मतलब जैसे पहले पहले जब शुरू की थी या पहले भी कुछ टाइम पहले भी मैं ऐसे जो जैसे बोलते हैं कि ध्यान करो, तो वो उसी टाइप का एक फील हो रहा है कि मैं ध्यान ही कर रही हूँ जिसमें खुद को देखना है, तो जीवन ही जीवन को देखे। तो मैं अपने में ये चेंजेस पा रही हूँ कि पहले ना मैं बहुत या तो मुझे नींद आती थी या फिर मैं जगी होती थी तो बैक इतना रिकॉल होता था कि पीड़ाएं बढ़ जाती थी और एकदम बहुत रोना आता था मुझे। तो ये दो स्थिति होती थी, या तो रोना आता था या नींद आती। बट अभी जो जिससे मैं 4 साल से ये समझ रही हूँ और अब जो मतलब एक स्थिरता जो थोड़ी आई है और जो समझ जो थोड़ी बनी है उसके चलते जो ये मैं अपने साथ जो मैं ये अपने साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ आपके साथ, तो इसमें ये हो रहा है कि मेरा रोना तो बंद हो ही गया है, नींद भी नहीं आ रही है, पर बैक में मैं जो बहुत विचलित, शुरू शुरू में मैंने आपसे शेयर भी किया था कि चार पांच दिन पहले की बहुत कुछ कुछ दिखता था, दिन भर ये करना है वो करना है वो करना है, पूरे डे प्लान बैक डे प्लान ऐसा सब बहुत चलता था। तो वो ना चल के अब ऐसा हो गया है कि वो कुछ कुछ चीजें स्थिर दिखने लग रही है वहां पे। तो मतलब क्या मैं ठीक देख रही हूँ, ठीक समझ रही हूँ या कुछ और, ये पूछना चाह रही हूँ एक तो। जी ठीक बात है, देखिए ये तो उपलब्धि की बात है ना, कि पहले अगर रोना आ रहा था इसका मतलब कुछ दुख अपने अंदर बना हुआ था जिसका समाधान नहीं था, वो तो बहुत ज्यादा होता था भैया जी। जी तो ये तो उपलब्धि की बात है, आप उससे निकल पाई है ना। अब हम ये जितना अभ्यास एक और करेंगे ना, इतना जितना हमको भाव के प्रति सजगता बनती है उतना उतना उस भाव में परिमार्जन की आवश्यकता भी स्पष्ट होने लगती है और उस भाव के आधार में जो गहरे संस्कार हैं वो भी दिखने लगते हैं। तो अब हम अपने साथ बैठे हुए सुखी महसूस करते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों से इंटरेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि अपने साथ जब भी होते हैं कोई दुख चिंता तनाव परेशानी शुरू हो जाती है, तो हम या तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं या सुविधाओं के साथ कुछ समय लगाने लगते हैं, है ना, इंटरटेन करने लगते हैं। तो ये अपने साथ बने रहते हुए सुखी रहना है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ये नहीं होती तो हमारे जीने में भगदड़ रहता है। तो बढ़िया है, आप ये पूरे प्रस्ताव को भी। भैया जी, इसके चलते मैंने एक चीज रियलाइज की है, मेरा ना जो शरीर स्वस्थ है उसमें काफी, जैसे मैंने जो पहला सोमभैया जी का शिविर किया था 19 में, तो मतलब उसके पहले मुझे वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम थी और मैं बहुत परेशान थी पैरों में दर्द की वजह से, पर वो शिविर करने के बाद अपने आप मुझे एक डेढ़ साल तक ये ठीक हो गया और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। पर अभी काफी 6 महीने से वापिस वो चीज हो रही है, और मैं जबकि अभी तो पठन में लगी हुई हूँ पर फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि वो ठीक नहीं हो रहा है। तो अब मैं वो गैप को समझना चाह रही हूँ पर मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। मतलब अपने अंदर वो चीज जो वो 19 में मैंने समझ लिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा देखो ये पैर ठीक हो गया, भैया ऑर्थोपेडिक सर्जन है मेरे, तो मतलब वो उनके पास मैं इसीलिए गई कि मैं ट्रीटमेंट लेना है और मुझे ठीक होना है, मैं बहुत परेशान हूँ, पर उसकी जरूरत इतनी पड़ी ही नहीं के बराबर और मैं शिविर से ही ठीक हो गई। तो उस समय मैं बहुत खुश हुई, मुझे लगा शायद ये उसी से कनेक्ट हुआ और मैं कनेक्ट करने भी लग गई। पर अब तो मैं कंटिन्यू पठन भी कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ लेवल बढ़ा भी है, पर पीड़ा वापस इतनी बढ़ गई है कि वो मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है। वो आपकी रिजॉल्व नहीं होने से वो मेरे लिए बहुत पीड़ा का कारण बनती है। और मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई भी एलोपैथी मेडिसिन सूट नहीं करती है। मतलब मेरी लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे पेन किलर हो, कुछ भी हो, कुछ भी, कफ सिरप भी मैं ले नहीं सकती हूँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। और अब तो ये कंडीशन है कि उनसे पूछ के भी नहीं ले सकती हूँ। मतलब उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिया कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, या तो आप मेरे सामने ही रहोगे तो ही पॉसिबल है। और उसमें भी डर है कि कुछ ना रिएक्शंस होते हैं, बहुत सीवियर रिएक्शंस होते हैं। तो मतलब मैं एक बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में देख पा रही हूँ कि मैं कोई पेन किलर नहीं ले सकती, कोई मतलब वो टेम्परेरी रिलीफ के लिए भी मैं कोई पेन किलर नहीं ले सकती। तो प्लीज मुझे थोड़ा ये गाइड करिए कि मैं अब कैसे इस चीज को रिजॉल्व करूं। मतलब बहुत टफ है, मुझे अभी लास्ट वीक तो डॉक्टर ने 10 डेज बेड रेस्ट बोला था, तो मैं 10 डेज बेड रेस्ट पे थी। मतलब बिटिया ने ही पूरा घर संभाला, ये कंडीशन थी मुझे पैरों में दर्द की। इसमें देखिए, शरीर के लिए एक तो आयुर्वेद या नेचुरोपैथी में आप देखिए, उसमें हो सकता है इसका एक सही उपचार हो पाए। हाँ, पर बेस्ट पता नहीं है भैया जी मुझे, इसलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ कि हु इज द बेस्ट, कौन है उसका बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट जो मुझे सही दे। मतलब उसमें वो भी होना कि वो मन को भी समझते। अभी तो कंडीशन ये है ना, पहले मैं सिर्फ शरीर को जानती थी, अब मैं शरीर के अलावा जीवन को भी जानने लगी हूँ। तो मुझे लगता है जो दोनों को जानता हो वही मेरा ट्रीटमेंट सही तरीके से कर पाएंगे या मुझे समझ पाएंगे। और मेरे जी, तो इस सत्र के बाद आप कभी कॉल कर लीजिए, है ना, तो कुछ हम लोग के पास जो जानकारी वो शेयर कर देंगे आपसे, आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। जी जी, बहुत मन वाला भाग है उस पे तो ठीक से काम कर लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम कई बार साइकोसोमेटिक होती है, तो कुछ शरीर की अपनी व्याधि होती है, रोग होता है, और कुछ हम अपनी कल्पनाशीलता से उसको और बढ़ा लेते हैं। तो ये कल्पनाशीलता वाला जो भाग है वो तो समाधानित हो जाए, वो ठीक हो जाए, है ना। और शरीर वाले भाग के लिए आप ऐसे वैद्य या ऐसे उपचार के तरीकों को आप उपयोग कर सकते। आप इमेजिनेशन की बात करते हैं ना, जब इमेजिनेशन में जैसे कल्पनाशीलता में हम सोच रहे होते हैं और जैसे वो मतलब विजुलाइजेशन में, फिर वही मैं कंफ्यूजन हो रही है कि विजुलाइजेशन जैसे बोलते हैं, विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन में क्या डिफरेंट है? तो मैं समझ पा रही हूँ लेकिन आपसे मैं भी वो चीज समझ नहीं पाई, अभी वही बैठी हुई है थोड़ी सी। देखिए, विजुलाइजेशन आप किसे कह रही है वो आपको ही बताना होगा। तो हो सकता है कोई चीज जो कल भी बात हो रही थी आपको स्पष्ट रूप से अगर दिखाई दे रहा है तो आप उसको विजुलाइजेशन कह रही हैं, और जो आपको लग रहा है कि हमने कुछ अपने मन से गढ़ लिया उसको आप कल्पनाशीलता कह रही हैं। तो ऐसा नहीं है, जो भी आपकी इच्छा में है, जो विचार में है, जो आशा में है, जो कुछ भी है, जो आपके अंदर चल रहा है, उसको कल्पनाशीलता कह रहे हैं। उसमें कुछ चीजें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ घटनाओं से आप ज्यादा प्रभावित हों,
तो वो घटनाएं आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, कोई पास्ट की घटना हो है ना जिसपे प्रभाव पड़ा हो आपके ऊपर, तो वो आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। परंतु आगे कोई योजना बना रहे हैं या कोई किसी व्यक्ति को लेकर विचार कर रहे हैं और वो उतने स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा, तो उन दोनों को आप शायद अंतर करना चाह रहे हैं। बट है अल्टीमेटली आपकी कल्पनाशीलता में ही, कोई भाग अच्छे से चित्रित हो पा रहा है, कोई भाग अच्छे से चित्रित नहीं हो पा रहा है। बट इसके अंतर में जाने की बहुत जरूरत नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये है ना कि जो भी मेरे अंदर चल रहा है कल्पनाशीलता में, उसमें तृप्ति है कि नहीं, उसका हम स्रोत दे सकते हैं। वो कल्पनाशीलता में जो चल रहा है या जिसको विजुअलाइजेशन कह रहे हैं, उसमें जो चल रहा है वो किसी मान्यता के आधार पर है, संवेदना के आधार पर है या हमारे समझ के आधार पर है, उसको हम देख सकते हैं। अगर मान्यता के आधार पर है तो उस मान्यता को ढूंढ सकते हैं, अपने आप में पता कर सकते हैं कि क्या मान्यता है जिससे ये हमारे अंदर भाव विचार चल रहा है ना। वो मान्यता अगर हमको समझ में आ जाए तो हम वहां पे जानने की जो वस्तु है उस पर ध्यान दे सकते हैं, समाधानित हो सकते हैं। जी भैया, भैया वैसे तो क्लियर है, मतलब कि जैसे मैं भी सोच रही हूँ वो ये हो रहा है कि जैसे कि हम जैसे कोई एक विधि से कोई चीज को कर रहे और जैसे प्रैक्टिस करते करते उस चीज का जैसे रिजल्ट आ जाता है, तो एक तो रिजल्ट आ जाना हमें लगता है कि हाँ ये चीज मैंने ठीक से करा या मेरे पास इसका जो एक प्रूफ है या देख लिया रिजल्ट के रूप में। दूसरा जैसे मैं उसको देखने कल्पनाशीलता में जैसे इमेजिनेशन करते, इमेजिनेशन जैसे मैं करते रहती तो मुझे अब ही नहीं लगता, पहले लगता था थोड़ा कि इमेजिनेशन भी एक कब तक करेंगे, कब तक लॉजिक और इमेजिनेशन पे चलते रहेंगे, अल्टीमेट तो एक टाइम के बाद वो इमेजिनेशन भी खत्म होने लगता है और जैसे लॉजिक भी लगाना बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो चीज सीधा सीधा जब दिख रहा है तो मैं उसमें क्यों इतनी भागदौड़ मचाऊं, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं दिख जाएगा, उसमें डिस्टर्ब क्यों होना है। जैसे कि अभी अभी मेरे को जैसे अपने आप में बहुत रहना अच्छा लगता है, अकेले में ही अच्छा लगता है और मेरे को ये टाइम भी जैसे बहुत जैसे लगता है कि बहुत बच गया है। अब मैं उसमें जैसे अपने कहा ना भी बड़े भागीदारी में कैसे उस व्यवस्था में आप क्या कर सकते हो, तो इन सब चीजों में चलता है मेरा, थॉट्स भी बहुत कम हो गए। लेकिन ये है कि वही मैं जाती हूँ जैसे कोई चीज, जैसे मैं बैठती हूँ कल्पनाशीलता में जैसे सोचती हूँ तो जैसे लगता है कि मैं एकदम से वो चीज को कैच कर रही हूँ और वो चीज ऐसे सामने आ जाता है। तो वही मैं कंफ्यूज हो रही थी बार बार कि इमेजिनेशन लॉजिक जो हम बार बार लगाते हैं लॉजिक कब तक लगाएं, क्योंकि कई बार कई जगह में थॉट्स इतने चलने लगते हैं फिर हम लगता है कि इसको वेस्ट है, क्यों वेस्ट करना है एनर्जी को इतनी, और वो जरूरत नहीं थी वो ऐसे लगता है। पर जब वो चीज सामने आता तो लगता है कि बस इतनी सी बात थी उसके लिए इतना क्यों डिस्टर्ब होना है। तो यहाँ में कुछ है ना संस्कार बने हुए, गहरे में कुछ दुख बना हुआ है ना, वो लौट लौट कर आता रहता है जी। तो आप उसको और एक्सप्लिसिटली अगर रखेंगे तो उसपे बात हो सकती है। तो आप अपने ढंग से कुछ इंटरप्रेट करने का प्रयास कर रही हैं, बट अल्टीमेटली अगर आप उसको ठीक से रख पाएंगे तो उससे ठीक से बात हो सकती है। तो अपने अंदर कुछ दुख बना हुआ है ना, और उस दुख को लेकर भय भी बना हुआ है कि हम उसको शेयर नहीं कर पाते संबंधों में जी। और थोड़ा सा आपके साथ ये भी हो पा रहा है कि कुछ ऐसी व्यस्तता है कि आप फैल कर कुछ जो जीने वाला भाग है उस पर काम नहीं कर पा रही है ना, जो भागीदारी हो सकती है, जो एक सार्थक ढंग से समय को और लगाया जा सकता है उसको आप देखें। तो एक तो वो जो भी आपका पास्ट है उसको स्वीकारने की जरूरत है, ठीक है ना, उसमें जो भी दुख शामिल है उसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। तो उसको कई बार हम तर्क से हटाने का प्रयास करते हैं, वो अंदर बना रहता है, उसको स्वीकारना होगा, उसको देखना होगा कि हाँ अभी ऐसा है, हमारे पास्ट में कुछ ऐसी चीजें रही हैं जो दुखद रही हैं, उसको हम देखें स्वीकारें और उसमें जो हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ा उसका मूल्यांकन भी करें। वो अब अगर हम नहीं करेंगे तो वो फिर लौट लौट के आता रहेगा। तो आप थोड़ा सा जो अभ्यास करती हैं वो विचार से उससे हटने का प्रयास करती हैं, वो काम नहीं करता है। उसको तो जैसा वैसा देखना बनता है, उसको स्वीकारना बनता है, उसका मूल्यांकन करना बनता है। तो विचार से हम थोड़े समय के लिए आराम पा सकते हैं, है ना, हटाकर कुछ तर्क लगाकर, बट वो दुख तो अंदर बना हुआ है और उस दुख के साथ हो सकता है किसी के प्रति विरोध बना हुआ है, कुछ प्रतिशोध बना हुआ है ना, या अपने बारे में कोई निराशा बनी हुई है पास्ट को लेकर। तो उन सब चीजों को तो अपने आप में देखना बनता ही है, उसको हमको स्पष्ट रूप से देखना भी बनता है, कहना भी बनता है, तभी जाकर उसको निराकरण होगा। जी भैया, ये भैया मैंने किया इसका ना, पहले तो बहुत डिस्टर्ब थी वो, जो पीड़ा मेरी बनी हुई थी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, मैं परेशान होती थी, रोती थी। अब वो चीज मेरे क्लियर हुआ है, मतलब बहुत हद तक मैं निकल गई,
समझ भी आ गई कि मैंने अपने आपको पीड़ा पहुंचाया तो क्यों पहुंचा। कई बार ना भैया ये हो जाता है कि हम लोग कहीं अच्छे में जैसे सोचते हैं और वो हमें पीड़ा दे जाता है, तो वो भी हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं ना, तो वो चीजें तो मुझे समझ आई। लेकिन अभी भी जैसे वो अकेली में भी बैठती हूँ तो एक वो अंदर से फियर धीरे धीरे आने लगती है, चेंज हो जाती हूँ ना। तो आप उसे बचने का प्रयास कर रही हैं, उसको देखने का प्रयास? हो सकता है, थोड़ा सा भी मैं डरती हूँ। जैसे वो बहुत तेजी से एकदम धीरे धीरे, और वो ट्रिक जैसे मेरे को ट्रिक करती है तो वो दिखती है मेरे को कि मैं ट्रिगर हो रही हूँ धीरे धीरे, पर वो इमिडिएटली मैं जैसे चेंज होने की कोशिश करती हूँ तो फिर लगता है कि मैं बच रही हूँ। क्यों बच रही हूँ मैं? अगर मेरे में कोई गलती नहीं है या मैंने नहीं किया तो मैं उस चीज से क्यों बच रही हूँ, क्यों नहीं सामना करना चाहती हूँ मैं? वही देखिए, अभी जो और साथी रखते हैं बात को ना, तो स्पष्ट रूप से रखते हैं। आप थोड़ा सा क्या करती हूँ, उसको स्पष्ट रूप से न रखकर उसको विचारों में ही किसी तरह से विश्लेषण करके उसे निकलने का प्रयास करती है, वो होता नहीं है। ठीक है ना, वो तो अपने आप में अपने को स्पष्टता रखनी पड़ेगी। तो आप उसको स्पष्ट रूप से अपने आप में देखें, रखें, तब तो समाधान हो पाएगा। यहाँ न रख पाए आप अलग से रख दें, परंतु ये विचार के स्तर पे आप जो समाधानित होने का प्रयास करती हैं वो नहीं हो पाएगा, वो भाव के स्तर पे जाकर ही होगा, है ना। और वहां पे जो भी संस्कार रूप में शामिल है उसको तो अपने को ठीक से देखना होगा, स्वीकारना होगा, उसका मूल्यांकन करना होगा, तभी उसमें परिमार्जन होगा, अदरवाइज होगा नहीं। कि नहीं जी भैया? नहीं, इस चीज को मैं कर रही हूँ भैया, लेकिन वही जो आप बोल रहे हैं ना, वो मतलब अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन वो फियर आती है मेरे को फिर से कि क्या मेरे को फिर से मतलब नहीं करना चाहिए, किसी की भला नहीं करना चाहिए, या किसी की मतलब कैसे करना चाहिए कि किसी की भला करने के बाद भी जब हम ऐसे फंस जाते हैं या प्रभाव में आ गए या उसका इतना दुरुपयोग हो गया या फिर उसमें हमें इतना पीड़ा पहुंचा। थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि ये जो बार बार हम लोग जो बात कहते हैं ना भागीदारी के लिए, हाँ जी, इसलिए भी है क्योंकि जब हम जीते हैं इन प्रस्तावों को, खाली इस पे विचार नहीं करते हैं, जीते हैं, तो हमें संबंध में आश्वस्ति भी बनती है। तो ये जो पुराना बहुत सारा दुख है, भय है, चिंता है ना, उससे हम निकल पाते हैं। तो ये जो हम भागीदारी करते हैं उससे जो उभय सुख मिलता है, उससे हमारी कल्पनाशीलता में तृप्ति मिलती है, उससे हमको नई आशा बनती है कि हाँ इसको समझा जा सकता है, इसको दिया जा सकता है। तो आपने वो भागीदारी वाले भाग को रोक रखा है, तो उससे वो होगा नहीं, वो विचार विचार में कभी समाधान निकलता नहीं है। और भाव के स्तर पे जैसे ही हम काम करने जाते हैं तो भाव का मतलब ही भागीदारी है, तो हम स्वयं में भी देख पाते हैं, उसको जी भी पाते हैं। जीने वाले भाग को रोक कर जब भी चलेंगे विचार में ही काम करेंगे, वो विचार से बात बनती नहीं है। उसको आपको थोड़ा ध्यान देना होगा सिंसियरली, है ना, क्योंकि अभी तो आपका ये तीसरा बैच है जब आप अटेंड कर रही हैं, है ना, परंतु उस वाले भाग को आप काफी रोक कर चल रहे हैं अगर, तो उसमें फिर वो बात बनेगी नहीं। जी उसको तो आपको फैन से देखना होगा, जीना होगा, तभी उसे निकल पाएंगे। जी भैया, ये भी पॉइंट मेरे को आपकी यहाँ समझ आ रही है कि मैं जो भागीदारी कर रही थी मैं वहां से तो हटी गई हूँ ना, तो वही बात है कि फिर वापस लगता है कि उसमें नहीं करना मुझे, तो वही पीड़ा बनती है वापस जाके मुझे। वहां नहीं भागीदारी की बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि कुछ सार्थक भागीदारी करें। घर पे हैं और समय है तो आपके पास पर्याप्त अवसर है। देखिए इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, उससे आपको स्वयं में तृप्ति मिलेगी और बहुत सारी चीजों का मूल्यांकन कर पाएंगे, और दूसरे के व्यवहार से भी आपको अपनी ओर ठीक से ध्यान जाएगा, अपने विचार से वो जाता नहीं है कई बार। जी बढ़िया दीदी, ठीक है भैया। भैया अच्छा लगना अच्छा होता नहीं है, तो मैं इस बात से हमेशा ही, ये मेरे दिमाग में घुसी हुई है बात। हेलो, हाँ हाँ। तो जैसे कल घर का एक इंसिडेंट बताऊ, मेरी बेटी जो है मेरे पास पूछने आई कि मैं मोबाइल खरीदना चाहती हूँ, ये मेरा पुराना हो गया, 5 साल से यूज कर रही हूँ और मुझे लेना है, मैंने पसंद किया 65,000 का, एंड शी इज 20 ईयर ओल्ड और अभी अपना कुछ काम करना स्टार्ट किया है। तो मैंने कहा बेटा ये सिर्फ फोन इमरजेंसी के लिए होता है और 30-40 हजार का रेंज का देख लो, और 65,000 का क्या काम का है, मतलब उसका क्या है कि हाथ में लोगों को दिखेगा कि अच्छा लग रहा है, बस इसके लिए तुमको खरीदना है कि इसके कोई प्रोडक्टिव यूज है? तो बोले नहीं मम्मी मैं 5 साल से यूज कर रही हूँ और इसके पैसे इतने आ रहे हैं, पहले भी शायद वो थोड़ा महंगा यूज करती हूँ, तो मैंने मना कर दिया, पर उसके बाद वो ले आई तो मेरे को वो देख के बड़ा गुस्सा आया और रिएक्शन ऐसा आया कि मैं अपने आप को
मतलब गलतियां तो मैंने ही कर रखी जीवन में पहले, जो उसका ये मुझे लगता है कि हमने ही शायद ये लाइफ स्टाइल बच्चों को दी है, कुछ काम बहुत किया है और बच्चों को कभी टफ टाइम में दिया नहीं है चीजें रहने को, तो उन पर पैसा देते रहे, मेरे हस्बैंड भी बहुत देते रहे और हमेशा आज भी, तो उसको खरीद लाई, फिर उसने बताया नहीं और वो मेरे को बहुत गुस्सा है। तो मैंने कहा और हम अपनी लाइफ को जो शरीर को है, अब मैं इन चीजों से ही निपट नहीं पाती हूँ कई बार, और हमने अपने शरीर को बस अच्छा लग रहा है और शरीर को भी वैल्यू नहीं दी है अच्छे लगने के, तो बैठ के सब लोग मोबाइल ही देख रहे हैं और उसके इतने नशे में है कि बाहर कुछ दिखता ही नहीं कि ये भी कोई चीज है, या क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ही साफ हो गई जो। और फिर हम इतना इजी मान रहे हैं, थोड़े भी 60-70 वाले लोगों से 50 से बात करते हैं तो बोले यार 60 तक की जिंदगी ठीक है, इससे ऊपर नहीं जीना, क्या करेंगे जी के। छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि अब बहुत सुसाइड केस बनने लगे, और किसी के पास भी समाधान को ढूंढने वाला जो है ना, कितनी डिग्रियां लेके बैठा। मैं खुद भी इस बात की, मतलब मैं PhD हूँ और 20 साल का मेरे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है कॉलेज में, और जब भी छोटी छोटी बातों के लिए हमारे पास सोल्यूशन नहीं होते कि हम इसको कैसे ठीक कर जाए, और उसमें ही डिस्कशंस में फंसे और किसी को समझा नहीं पा रहे कि ये चीज अच्छी लग रही है अच्छी है नहीं, उस बात पे ही हम नहीं पहुंच पा रहे कि वर्चुअल लाइफ कितनी खराब है। मैं खुद भी, मेरे को दो लोगों से बात करना है, घर के काम करना ठीक लगता है, बजाय कि हम वर्चुअल कोई मैच ही देख रहे हैं दिन भर। अभी कोई मैच चल रहे हैं भैया जी IPL के, जिसमें बच्चे जो है वो लगे हुए हैं 2950 रुपए दे के कोई टीम जीतने में, और तीन तीन चार चार घंटे वो मैच खेलने की बजाय, लाइवली देखने की बजाय उस वर्चुअल गेम में लगा के बैठे हुए। तो मुझे जब भी दिखता है तो मतलब मैं, अब मेरे भाव तो अच्छे ही कि किसी को मैं ठीक कर दूं इस तरीके से कि बोल के, लेकिन वो चलती नहीं है बातें, और इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस भी उस तरीके नहीं रहते, तो भाव अच्छे हैं लेकिन समाधान नहीं है तो परेशान होते रहते हैं। यही सारे मुद्दे, कोई बेसिक रोटी कपड़े मकान के मुद्दे तो मुझे कम दिखते हैं, वो तो बड़ा आसान हो जाता है कि दो रोटी मिल जाएगी, लेकिन ये मुद्दे जो बड़े बड़े लगने लगे हैं आजकल, छोटे मुद्दे वही खतरनाक, मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इसको सॉल्व करूं। देखिए, समाधान तो यही है कि परिवार में समझ के लिए काम किया जाए। उसके कम में तो कोई समाधान निकलेगा नहीं। उससे पहले हम परिवार में बैठ सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं, है ना, कुछ सही प्रस्ताव रख सकते हैं, बट यदि परिवार वर्कशॉप करे समझे तब तो उसका एक निश्चित समाधान निकल सकता है, अन्यथा वो तो है ही। इनफैक्ट ऐसा दिखाई देता है कि जब मनुष्य को सुविधा का भाव होता है तो सुविधा के उपार्जन में व्यस्त रहता है, बट जब उसके पास सुविधा पर्याप्त हो जाती है और उसके पास समय के सदुपयोग का कोई विधि ना हो तो ज्यादा परेशान होता है। फिर ये सब साधन ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, मनोरंजन के साधन। और फिर ये लोग बोलते कि पैसे का करेंगे क्या, यही तो यूज है और कई कई करना परिवारों में ऐसी स्थिति हो गई है कि अब समय का क्या करें, पैसा ही कमाएं, नहीं तो जो पैसा हमने कमाया है उसे पैसा सीधा कमाया भोगे। तो उसको इस तरीके से ढोलें कि उस पैसे जी करे जी क्या, मतलब ये सब मेरे को लगता है मेरे घर में नहीं, अभी तो ज्यादातर लोग मैं जिनसे, या तो हो सकता है कि मैं मेरे लेयर वाले लोगों से मिलती हूँ, है तो ना। ज्यादातर लोगों का यही बात है। देखिए, ये समस्या तो ही बढ़ेगी समाज में, क्योंकि साधन बढ़ते जा रहे हैं और साधनों के सदुपयोग की समझ नहीं है, समय के सदुपयोग की समझ नहीं है। तभी आप देखिए अमेरिका में जिस तरह घटनाएं आती हैं ना, कि बच्चे गन लेके जाते हैं और गोली मार देते हाँ हैं, हाँ तो कारण नहीं होता उसका, तो अभी अपराध भी बढ़ेंगे, तो वो तो है। इसके लिए तो अपने को शिक्षा पे ठीक से काम करने की जरूरत है, व्यवस्था पे ठीक से काम करने की जरूरत है, और उसी के लिए तो सारा प्रयास हो रहा है कि लोगों को सही की ओर ध्यान चला जाए ताकि अपने समय का सदुपयोग कर पाए। अब जैसे हम लोग सुबह 1 घंटा 2 घंटा लगा रहे हैं ना, एक अच्छा सदुपयोग है ये। ऐसे ही पूरे समाज में एक परंपरा बन सकती है, एक रीति बन सकती है कि लोग सुबह सुबह 1-2 घंटा कम से कम समझ के लिए लगाए, कि पर दिन कई भर बार अपने मुझे सदुपयोग एक करें। बीच में मेरे को ये लगता है, कई बार हमको लगता है कि हम घर में ही पहले तो बाहर में समाज में क्या उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, लेके जा पाएंगे, खुद पे फेल है घर में फेल है तो नहीं, क्या ऐसा नहीं है। बाहर। देखिए, पहले परिवार फिर समाज अगर हम सोचेंगे तो फिर हम परेशान होंगे, क्योंकि समाज में, परिवार में परिवर्तन दिख नहीं रहा और समाज में हम भागीदारी नहीं करते हैं तो अपने ऊपर भी ठीक से ध्यान नहीं जाता। तो इनफैक्ट जो चारों स्तर हैं इस पे एक साथ काम करना बनता है, अपने ऊपर भी काम करना बनता है, परिवार के ऊपर भी काम करना बनता है, समाज के ऊपर भी काम करना बनता है, प्रकृति में भागीदारी करना भी बनता है। तो एक स्तर को रोक के दूसरे स्तर पे काम करें इसकी आवश्यकता नहीं है, एक साथ है ना चारों स्तर पे काम कर सकते हैं। तो
तो अपने ऊपर तो काम करें ही, परिवार में जितना अवसर है उसका सदुपयोग करें, समाज में जो अवसर है उसका सदुपयोग करें, और प्रकृति में भी आगे बढ़कर हम भागीदारी कर सकते हैं। तो उससे एक तो स्वयं में जांचना ठीक से हो पाता है और उसको जी कर देखना भी हो पाता है ना। और जब जी कर देखते हैं तो हमें दिखता है कि समाज में बहुत सारा सार्थक काम हो रहा है, प्रकृति में बहुत सारी अनुकूलता बनी हुई है, बहुत सारे परिवारों में ना जिस विधि से लोग जी रहे हैं सुख शांति बना हुआ है, तो उसको लेकर हम आशान्वित भी होते हैं। कई बार ये होता है कि हम जब एक छोटे से दायरे में देख रहे होते हैं और अनुकूल स्थितियां नहीं दिखाई देती तो हम निराश होने लगते हैं, फिर वो निराशा जो है स्वयं के स्तर पे भी परेशानी पैदा करता है। तो इनफैक्ट ये चारों स्तर पे जब एक साथ व्यवस्था में जीने जाते हैं तो हम प्रस्ताव को ठीक से जांच भी पाते हैं, जी भी पाते हैं, और उसके प्रति हम आशान्वित भी हो पाते हैं कि हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एक पेड़ लगाने जाते हैं और घर से संबंध टूटता है हमारा और पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब ये क्या माना जा रहा है कि प्रकृति के लिए अभी आज की तारीख में पेड़ बहुत जरूरी है, तो अगर हम पेड़ लगा रहे हैं और घर में अगर हमारी नहीं बनती तो पेड़ इम्पोर्टेंट है कि घर में एक मानव जो और दूसरा है वो इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा जी हम... जी तो मानव के साथ भी काम करेंगे, और मानव खाली परिवार में थोड़ी है, बाहर भी है, बहुत सारे बाहर ऐसे लोग हैं जो प्रकृति के लिए काम करने को तत्पर हैं, उत्सुक हैं, है ना, उनके साथ काम करेंगे, परिवार में भी काम करेंगे, परिवार में भी जो सुविधाएं हैं उनका सदुपयोग करेंगे कि नहीं। तो देखिए अभी हमको जितनी जितनी स्पष्टता होती है ना, हर क्षण व्यवस्था में जीने का अवसर दिखाई देता है, तो परिवार के साथ जितनी भागीदारी अभी संभव है उतना हमने कर दिया, उनके साथ प्रस्ताव रख दिया, जांचने का अवसर दिया, बट ऐसा नहीं कि हम क्या तो उनके पीछे पड़ गए, और ऐसा भी नहीं कि अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो हम निराश हो गए, है ना। तो अपने को ये जो दिखाई देता है मेरे साथ बहुत चलती, पीछे पड़ना और निराश होना, आप चारों स्तर पर व्यवस्था में जीने का अभ्यास नहीं कर रही है। ये जो बातें कही जा रही है ना, अगर आप इसको विश्लेषित करते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर वहीं से निकल जाता है। हम लोग हर बार कह रहे हैं कि अगर स्लाइड में भी देखें तो ये चार स्तर है, स्वयं से लेकर संपूर्ण स्तर तक, इनमें व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, यही हमारा कार्यक्रम है। ये नहीं कहा जा रहा है कि पहले स्वयं, फिर परिवार, फिर समाज, फिर प्रकृति, ऐसा नहीं कह रहे, ठीक है ना। तो हम इनमें से किसी स्तर पे जी रहे होते हैं तो स्वयं पे ध्यान जाता है, स्वयं पे ध्यान जाता है तो बाकी सारे स्तरों पे हम और व्यवस्था पूर्वक जी पाते हैं। अब परिवार का मतलब भी हमको और ठीक से समझ में आता है, परिवार का मतलब संबंध, परिवार का मतलब वो नहीं जो हम चार छह लोग साथ में रहते हैं, और संबंध तो हर मानव के साथ है, तो हमको परिवार का दायरा भी अब बढ़ा हुआ दिखाई देता है। पर ये होता है कि हम समाज को इग्नोर करके परिवार के लिए सारा तन मन धन लगा देते हैं और परिवार में वो सुख मिलता नहीं है, परिवार से वो रिस्पांस मिलता नहीं है, फिर हम और परेशान होते हैं कि किसके लिए क्या किया, क्यों किया, है ना, हम ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने जो समाज को इग्नोर किया है ना, ये भी हमारी गलती है, प्रकृति को इग्नोर किया हमारी गलती है, ऐसा नहीं है। और कई बार इग्नोर भी करते हैं और कई बार हम उसका शोषण भी करके ले आते हैं, समाज का शोषण किया, प्रकृति का शोषण किया और परिवार को भरने में लग गए, और समस्या कारक हो जाता है क्योंकि उससे फिर बच्चों में गलत संस्कार चला गया, है ना, वो एक दूसरा एक्सट्रीम है। जी तो हमें संबंध दिखना चाहिए, संबंध तो मानव के साथ है, है ना, मानव परिवार के भीतर भी है, परिवार के बाहर भी है, तो भी परिवार में रहे हैं कि नहीं। सही जी, तो ये जो की बात हुई काफी सार्थक बातें रही, उससे हमारा ध्यान और गया। इनफैक्ट अभी हम लोग जो सुबह के सत्र में काम कर रहे हैं, जो कल भी बात हो रही थी, एक तो पूरे प्रस्ताव का विश्लेषण करने का अभ्यास कर रहे हैं, पूरे प्रस्ताव का विश्लेषण कर पाए, उसमें सुनने का, तो पूरे प्रस्ताव सुनने में ठीक से आ जाए, फिर उसका हम विश्लेषण कर पाए, फिर उसके साथ जीने को हम चित्रित कर पाए। जब जीने को चित्रित करने जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे जीने से जुड़े मुद्दे हमको दिखाई देते हैं, और फिर उसमें एक और अभ्यास कर रहे हैं तो जैसा वैसा देखने का। तो अगली जो बात कही जा रही है कि मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही करता हूं, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो दृष्टा मैं हूँ, जो अभ्यास एक में भी बात हुई कि आंखें नहीं देखती मैं देखता हूँ, शरीर नहीं देखता मैं देखता हूँ, तो देखने वाला, समझने वाला, जानने वाला मैं हूँ, है ना, शरीर साधन है, यंत्र साधन है, जानने वाला मैं हूँ, और ब्रेन भी जानने वाला नहीं है, ब्रेन भी शरीर का भाग है, जानने वाला मैं हूँ, ठीक है ना। इससे ये भी एक निष्कर्ष आता है कि कोई और रहस्यमय इकाई हो, रहस्यमय शक्ति हो जो देख रही है,
और मैं बस जी रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं ही देखने वाला हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ, इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है। मैं ही करता हूँ, करता मतलब निर्णय लेने वाला मैं हूँ। तो ये जो भी मेरा व्यवहार है, कार्य है, और जो मेरा विचार भी चल रहा है, उन सब में निर्णय मेरा है, तो मैं ही करता हूँ, है ना। कोई और निर्णय ले रहा है और मैं उसका निमित्त मात्र हूँ, ऐसा नहीं है। निर्णय मैं ही ले रहा हूँ और मैं ही भोगता हूँ। सुख दुख भोगने वाला भी मैं ही हूँ। तो इस बात पे तो हम सहमत हो जाते हैं कि हाँ मैं भोगता हूँ, परंतु मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, इसको और ठीक से देखने की जरूरत है कि मैं भोगता तो हूँ ही, दृष्टा भी मैं ही हूँ, करता भी मैं ही हूँ ना। तो अभी हम जो भोग रहे होते हैं उसमें भी हम दुख वाले भाग को स्वीकार लेते हैं कि हाँ, तो उसमें एक तो ये आश्वस्ति हो जाए कि सुख को भी भोगा जा सकता है। भोगने का मतलब सिर्फ दुख भोगना नहीं है, सुख भोगना भी है, और हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं। ये भोगने का तृप्ति बिंदु है, निरंतर सुखपूर्वक जी पाना। वैसे ही मैं ही करता हूँ, मैं जो भी करूँ उस संबंध के अर्थ में हो, व्यवस्था के अर्थ में हो, अस्तित्व के अर्थ में हो, ये मेरे कर्ता होने का तृप्ति बिंदु है। यानी मैं पूरी मानवीयता के साथ जीता हूँ, मेरा पूरा आचरण मानवीयता पूर्ण है, ये मेरे कर्ता होने का तृप्ति बिंदु है। और दृष्टा होने का जो तृप्ति बिंदु है कि मेरे अंदर ज्ञान पूरा हो जाए, समाधान पूरा हो जाए, ये दृष्टा होने का तृप्ति बिंदु है। इसमें हमें दिखाई देगा कि इस पूरे क्रम में मैं शरीर का एक साधन के रूप में प्रयोग करता हूँ ना। तो दृष्टा भाव में तृप्त होने के लिए, भोक्ता भाव में तृप्त होने के लिए, कर्ता भाव में तृप्त होने के लिए मैं शरीर का साधन के रूप में प्रयोग करता हूँ जी। इन बातों को अभी हम लोग और ऑब्जर्व करेंगे। हाँ भाई जी, नमस्ते। जैसे ही कहा गया है कि मैं दृष्टा, कर्ता, भोक्ता हूँ, मतलब मैं सेल्फ एक ऐसी इकाई है जो अपने व्यवस्था को बनाए रखने में, व्यवस्था में चलने के लिए खुद जिम्मेदार है। तो जैसे कभी कभी देखते हैं कुछ घटनाएं घट जाती हैं या कुछ घटनाएं हमारे साथ नहीं हो पाती हैं, तो हम उसको प्रकृति से जोड़ देते हैं या किसी ईश्वरीय शक्ति से जोड़ देते हैं कि कहते हैं कि अच्छा ही हुआ, ये नहीं हुआ। तो जब हम ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हैं या ऐसा कुछ समझाते हैं, तो फिर उसके पीछे क्या, यही क्या लॉजिक होता है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो हमें ये दिखाई दे जाए कि जो कर्ता भाव है वो चैतन्य इकाई में है, मैं में है, है ना। किसी अन्य इकाई या है ना, शून्य में नहीं है। एक तो हमें ये दिखाई दे जाए, और दूसरा हमें ये दिखाई दे जाए कि जो भी फल परिणाम आते हैं वो बहुत सारी चीजों के योग संयोग से आते हैं, उसमें बहुत सारी इकाइयां शामिल है। जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, है ना, तो इसमें निर्णय तो मेरा है बोलने का, निर्णय आपका है बोलने का, बट हम दोनों को एक दूसरे की आवाज सुनाई पड़ रही है, इसमें बहुत सारी चीजों का योगदान है। ये जो सिग्नल बना हुआ है, ये जो मोबाइल काम कर रहा है, ये जो ऐप काम कर रहा है, ठीक है ना, ये जो शरीर काम कर रहा है, इन सब का योग संयोग से हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं। जो फल परिणाम आते हैं उसमें तो बहुत सारी इकाइयों का योग संयोग होता है, इसलिए हम लोग कई बार नहीं देख पाते हैं। तो हम कर्ता भाव किसी और को देते हैं कि अगला व्यक्ति करने वाला है, या कोई और है ना रहस्यमय शक्ति है जो करने वाली है। अन्यथा हमको दिखाई देता है कि फल परिणाम तो मेरे करने से आएगा नहीं, उसमें मेरी भागीदारी मात्र है। इसलिए हम लोग शब्द जो बार बार प्रयोग करते हैं, भागीदारी है, मैं भागीदारी कर रहा हूँ। जैसे इस सत्र को सुबह हम लोग चलाने में भागीदारी कर रहे हैं, है ना, हर व्यक्ति अपनी भागीदारी कर रहा है। सुनने में भी भागीदारी है, कहने में भागीदारी है, और उसमें यंत्र की भागीदारी है, हर किसी के मोबाइल की भागीदारी है, सैटेलाइट की भागीदारी है जिसके कारण सिग्नल आ रहा है ना, सरकार की भागीदारी है, नहीं तो अगर ये समाज में कोई उपद्रव हो जाए और ये इंटरनेट ब्लॉक हो जाए तो नहीं बात कर पाएंगे। तो आप दिखाई देगा कि पूरे अस्तित्व की भागीदारी से हो रहा है। उस चीज को ही जब हम सहज रूप से देख पाते हैं, है ना, उसको अप्रिशिएट भी कर पाते हैं, परंतु वहां चूक तब होती है जब कर्ता भाव कहीं और हम दे देते हैं। तो पूरे अस्तित्व की भागीदारी से हम एक दूसरे के साथ भागीदार हो पा रहे हैं। जी, जी, जी,
बोलिए बोलिए भैया जी, बोलिए आप। वही तो, ये जो निर्वाह हो रहा है दो इकाइयों की परस्परता में, उसमें तो पूरे अस्तित्व की भागीदारी है जी। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, जैसे ट्विंस टावर जब गिरा था तो उसमें मैंने काफी लोगों का पढ़ा, जैसे कोई फिलिप्स करके जो तैराक चैंपियन था, उसने कहा कि मैं जल्दी नहीं उठ पाया, अच्छा वो मेरे मीटिंग था मैं गया नहीं, किसी की ट्रेन लेट हो गई वो नहीं गया, तो वो लोग बच गए, उनकी जान बच गई। तो जब ऐसी कोई अनहोनी होती है, जब हम वहां पे बच जाते हैं किसी भी वजह से, तो इसमें भी तो हम कहते हैं कि इसमें तो ईश्वरीय शक्ति थी, अच्छा हुआ मैं नहीं गया, अगर मैं चला जाता तो मेरे साथ भी घटना घट जाती या नुकसान हो जाता, तो इसमें कैसी भागीदारी है? भाई देखिए, वो तो हमने अपने ढंग से इंटरप्रेट किया, उसमें बहुत सारे लोगों का शरीर शांत हो गया, बहुत सारे लोग हताहत हुए, है ना। तो वहां पे भी तो अगर कोई ऐसी शक्ति यहाँ काम करी तो वहां भी काम कर रही थी, तो फिर तो ये भी कह सकते हैं कि उसी ने, है ना, हताहत किया लोगों को, जिसने बचाया उसने हताहत भी किया। तो अभी देखिए क्या है, अभी हम इस तरह की चीजों को लेकर किसी रूप में अपनी कल्पनाशीलता में तृप्त होने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको जैसा वैसा देख ले, है ना। तो क्या है, एक बार हम अपने आप में समाधानित हो जाएं, फिर हमारी निर्भरता नहीं होती है ऐसी मान्यताओं पर, फिर हम उसको अपने आप में जैसा वैसा देख पाते हैं, उसके अनुसार निर्वाह कर पाते हैं। अच्छा जी भैया जी, अभी तो और मतलब इसमें मेरे को समझदारी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कभी कभी ही इन उदाहरणों को अपनी बिटिया के साथ भी ले लेता हूँ, देखो आपने गलत ये सोचा या ये किया, घमंड किया या किसी बात पे किया, तो आपके साथ ऐसा फल परिणाम मिला, तो मुझे लगता है कि मैं उसे गलत गलत डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ। वो अलग बात है, फिर इसको हम लोग मिक्सअप कर रहे हैं। तो अगर मेरे अंदर कोई गलत भाव गलत विचार होता तो मैं दुखी होता हूँ, उसका प्रभाव परस्परता पे पड़ता है, उस परस्परता का प्रभाव लौट के हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे आपको क्रोध आया, है ना, समझी हुई, अब क्रोध में आपने अपशब्द कह दिया किसी को, अगले व्यक्ति क्रोध आ गया उसने और अपशब्द कह दिया, तो ये तो कहना बनता ही है कि क्योंकि आपने क्रोध किया इसलिए फल परिणाम आया, ठीक, तो इतना तो स्वीकारना बनता है। यहाँ पे भी आपका कर्ता भाव है, आपका भोक्ता भाव है, आपका दृष्टा भाव भी है, इन दो चीजों को मिक्स करने से दिक्कत होगी। जी जी जी, क्योंकि मैं उसे कभी कभी कह देता हूँ कि देखो आपने गुस्सा किया या आप में घमंड आया, तो प्रकृति ने देखिए आपके साथ वैसा व्यवहार किया, तो ये जो प्रकृति में शब्द यूज करता हूँ अपने बिटिया के साथ, उसे हटाना पड़ेगा, ये मैं समझ रहा हूँ। मतलब कुछ जो भी शक्ति है उसको मैं प्रकृति बोलता हूँ, तो क्योंकि प्रकृति ने, आपने घमंड किया या आपने क्रोध किया, तो इसीलिए आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ पलट के, तो ये मेरे को स्टेटमेंट गलत नहीं है। रुके रुके, फिर मिक्सअप कर रहे हैं हम, तो शून्य को शून्य की तरह देखें, प्रकृति को प्रकृति की तरह देखें, है ना। अच्छा, अब आप ठंड के मौसम में रात को आइसक्रीम खाएंगे तो, है ना, जुकाम होगा ही, ठीक है, सुधारना बनता ही है, और शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति ने ऐसा किया, बट चूंकि आपने संयम भाव का निर्वाह नहीं किया इसलिए आपको जुकाम हो गया, इतना स्वीकारना बनता है। आपने क्रोध किया इससे आप दुखी हुए, क्रोध किया तो दूसरा व्यक्ति दुखी हुआ, फिर उसने दुख में आपसे क्रोध किया, दुख बढ़ गया, ये तो स्वीकारना बनता है, आप भी प्रकृति के हिस्सा है, दूसरा व्यक्ति प्रकृति का हिस्सा है। तो जो मैं अपनी बिटिया को स्टेटमेंट, अपने आप विश्लेषण करिए, जी जी, अब इसको आप थोड़ा, जो मेरी बात कही ना उसको आप थोड़ा एक बार और विश्लेषण करिए, फिर कल इस पे बात करेंगे। इस पूरी बात पर सोचेंगे तो समाधान निकल आएगा। जी भैया जी, जी भैया जी, बढ़िया बढ़िया भैया। हाँ जी, ये जो जब हम सर्व एक प्रकृति या गॉड या इस तरह की बात करते हैं, तो कुछ तीन चीजें हम एसोसिएट करते हैं सर्वशक्तिमान के साथ, हम उसको बोलते हैं ओमनी साइलेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट। मतलब एक ऐसी कोई शक्ति है या परमात्मा जिसको हम बोलते हैं कि जो ओमनी साइलेंट मतलब सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सर्वत्र है, सब जगह पर प्रेजेंट है, और ओमनी पोटेंट मतलब जो सर्वशक्तिमान है। तो ये जो तीन चीजें है, सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान, ये चीजें जो जिसको हम परमात्मा बोलते हैं वो सेल्फ या आत्मा से अलग होता है। तो मुझे लगता है कि जब हम ये जो सीयर, डूअर, एंजॉयर बोलते हैं, तो हमको ये भी फर्क ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो है आत्मा या सेल्फ है वो परमात्मा से अलग किस तरह से है। धन्यवाद जी। तो इसको थोड़ा ओपन रखें, जिसको भी हम सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, है ना, कह रहे हैं, वो क्या है और है या नहीं है, इसको भी थोड़ा ओपन रख लें।
ओके हाँ, सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान मतलब ओमनी साइलेंट ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट। जी जी, तो ओमनी प्रेजेंट कहना तो ठीक है, शून्य जो ओमनी प्रेजेंट है ना, बट वो क्रिया शून्य है। ओके, तो जो क्रिया शून्य है वो कर्ता तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो सर्वशक्तिमान भी कहना शून्य को नहीं बनता फिर, क्योंकि शून्य क्रिया शून्य है। और जानने की क्रिया तो स्वयं में हो रही है, सेल्फ में हो रही है, जानने की क्रिया शून्य में तो होगी नहीं, क्योंकि जानना भी क्रिया है। तो जो ओमनी प्रेजेंट है वो ज्ञाता तो नहीं है। हाँ, ओमनी साइलेंट सर्वज्ञ, सर्वज्ञ नहीं है ऐसा। हाँ, तो कुछ जानने वाला। जी जी, ऐसा भी नहीं कह रहे, इसको भी थोड़ा ओपन रख लें, है ना। देखिए, जितने हम सेल्फ को समझेंगे ना, ओके, और सेल्फ में हम जब संबंध को देख पाते हैं, व्यवस्था को देख पाते हैं, सह अस्तित्व को देख पाते हैं, तो इन तीनों स्तर पे जो भ्रांतियां बनी हुई है हमारे अंदर, तो संबंध को लेकर जो भ्रांति और मान्यता बनी हुई है, व्यवस्था को लेकर जो मान्यता बनी हुई है, सह अस्तित्व को लेकर जो मान्यता बनी हुई है, वो धीरे धीरे उसका मूल्यांकन हो जाता है, है ना। तो अभी इसको ओपन रख लें, इसको भी ना माने कि ऐसा नहीं है और ना माने कि ऐसा है। अभी स्वयं को जानने का काम करें, स्वयं को देखने का काम करें, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी चीजें हम, क्योंकि हम जानते नहीं है तो मान लेते हैं एक रहस्य के रूप में। जैसे पहले मानते थे कि भाई धरती जो है चिपटी है, अगर आप धरती पर ट्रैवल करोगे तो एक कोने के बाद जाके गिर जाओगे, नीचे स्पेस में चले जाओगे, ऐसा मानते थे। फिर हमने कुछ और माना, फिर हमने कुछ और माना, ठीक है ना। तो अभी हम अगर इन चीजों को जान लें तो जैसा वैसा देख पाएंगे। तो प्रकृति को प्रकृति के रूप में जान लें, शून्य को शून्य के जैसा जान लें, स्वयं को स्वयं के जैसा जान लें, जड़ को जड़ के जैसा जान लें, तो जानने काम पूरा होता है। नहीं जानते तो मानते हैं, और मानते दोनों तरह से है। एक एक्सट्रीम तो ये है कि अपने आप को शरीर और जड़ मान लिया, दूसरा एक्सट्रीम ये है कि हमने अपने आप को शून्य मान लिया, कुछ और मान लिया। तभी हम इन दोनों एक्सट्रीम में झूमते रहते हैं, है ना, उसके बीच में हमारा दोलन होता रहता है। हम स्वयं को स्वयं की तरह देख लें, जड़ को जड़ की तरह देख लें, कि नहीं, शून्य को शून्य की तरह देख लें। यही तीन वास्तविकता है जानने की, जो क्रिया शून्य है उसको देख लें, चैतन्य क्रिया को देख लें, जड़ क्रिया को देख लें, तो फिर कुछ भी रहस्य नहीं रहता। कि नहीं, ओके, बढ़िया भैया।